हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, हम करने वाले हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन और सेपरेशन के ऊपर रीडिंग। ऊपर वाला जल्दी ही आपका आपके पार्टनर से री यूनियन करवा दे, सेपरेशन खत्म करवा दे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म करवा दे और जल्दी से आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट दिलवा दे। ठीक है गाइस, ये एक जर्नल रीडिंग होगी, सभी साइंस के लिए होगी, जितने भी जोडियक साइंस है सभी के लिए होगी। टाइम वेस्ट रीडिंग होगी, तो आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे आपके साथ रेजोनेट जरूर करेगी। ओके, आप मैरिड हैं, सिंगल हैं या सेम जेंडर रिलेशनशिप में तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा के लिए हम प्रे कर लेते हैं कि ऊपर वाला जितने भी पिछड़े हैं उन सभी को मिला दे, जो मैरिड हैं वापस उनके अच्छे से फैमिली शुरू करवा दे, जो सिंगल हैं उनके पार्टनर से उनको कमिटमेंट मिलकर ऊपर वाला उनका जल्दी उनसे उनके पार्टनर से उनकी शादी करवा दे। थर्ड पार्टी सभी की लाइफ से चली जाए, जितने भी लोग बीमार हैं ऊपर वाला सभी को सेहत और लंबी उम्र दे, जितने भी लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं किसी भी रीज़न से ऊपर वाला उन सबको सेहत दे और बहुत अच्छी हेल्थ लेकर वो लोग घर जाएं और घर का आराम और सुख शांति देखें। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और आपको आपके पार्टनर पे फोकस करना है। अच्छा जी, इतने प्यारे कार्ड्स। चलिए एंड जी, हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा हमारे व्यूवर्स के पार्टनर जो हैं उनसे कब तक बात कर सकते हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब तक खत्म कर सकते हैं और सेपरेशन कब तक खत्म कर सकते हैं। गाइस, आप लोगों ने अपने पार्टनर से प्यार तो बहुत ज्यादा किया है, ये तो पता चल रहा है। अच्छा ठीक है, ओके। बॉटम में क्या है, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये क्या हो रहा है, कोई बात नहीं देखते हैं। आपके पार्टनर को जो सबसे ज्यादा याद आ रही है इस वक्त, आपकी आपकी केयर और आपका प्यार बहुत ज्यादा याद आ रहा है और उन्हें अभी जरूरत महसूस हो रही है उतने ही प्यार की। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, जितना प्यार आप उनसे करते थे उतना प्यार वो अब आपको लौटाना चाहते हैं, क्योंकि मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ आपके पार्टनर आपसे दूर होकर, उनकी लाइफ में कोई तो कंट्रोलिंग है, ये क्या बताएं। आपके पार्टनर ना डिसीजन तो ले लिया आपसे दूर होकर, लेकिन इस वक्त वो बर्डन फील कर रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, वो घर के बड़े हों या छोटे हों, या फिर वो कमाने वाले इकलौते हों, या फिर अगर वो लड़की भी हैं तो भी उनके घर के जिम्मेदारियां उनके ऊपर हों, वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हों। ठीक है, यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर थोड़े चिड़चिड़े टाइप के लग रहे हैं। आप दोनों के बीच के अंदर कास्ट, रिलेशन, एज गैप, एक मैरिड एक अनमैरिड, इस तरीके की कोई सिचुएशन आ रही होगी और वही सिचुएशन आप दोनों के बीच में डेविल एनर्जी का काम कर रही है। आप दोनों के जो अलग होने का जो रीज़न है वो ये चीज़ हो सकती है, कास्ट, रिलीजन, ठीक है, एज गैप हो सकता है, स्टेटस का फ़र्क हो सकता है, सारी चीज़ें आप दोनों को अलग करने का काम कर गई यहाँ पर। लेकिन आपके पार्टनर जो है उन्हें कहीं ना कहीं इस रिश्ते के ऊपर एक प्राउड फील होता है कि मेरा पार्टनर जो होता मुझसे बहुत प्यार करता था और वो उसी चीज़ की वजह से आपके पास वापस आना चाहते हैं, उतना ही प्यार की उनको ज़रूरत महसूस हो रही है इस वक्त, क्योंकि हो सकता है ये जो चीज़ें इनसे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा थक गए हों। फाइनली आपके पार्टनर ने डिसीजन सुना दिया है अपनी फैमिली को या समाज को कि मैं जाऊंगा तो अपने पार्टनर की तरफ ही जाऊंगा। अगर आप मैरिड हैं तो भी ये चीज़ हो सकती है कि हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे इश्यूज़ क्रिएट हुए हों जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर जाना अच्छा समझा, लेकिन इस वक्त वो बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं और आपकी लाइफ में आकर अब जस्टिस देना चाहते हैं, आपके पास वापस लौटना चाहते हैं। उन्होंने सभी को ये चीज़ कह दी है कि मेरे पार्टनर को ही मैं चुनूंगा, मेरे पार्टनर को ही मैं चूज करूंगा और जस्टिस होगा अब आपके साथ। आपके पार्टनर करें नहीं करें, ऊपर वाला ज़रूर जस्टिस करेगा आपके और आपके पार्टनर के साथ, इस रिश्ते के साथ। ठीक है गाइस, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि हम हार नहीं मान सकते। मेजर अरकाना से भी एक बार हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ है, अभी आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्लियर हो जाएगा। अभी वैसे तो मुझे आपके पार्टनर ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए लग रहे हैं, उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्होंने दूरियां बनाकर गलती कर दी। ओके, आपके पार्टनर जस्टिस देने के लिए आपके पास आ रहे हैं, आपको द चैरियट, आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं जस्टिस देने के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून,
बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां हैं कास्ट रिलीजन की वजह से वो सब दूर हो जाएंगी और आपके पार्टनर आपकी तरफ डिसीजन लेंगे सही टाइम आने पर। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है हमारे पास, ये कार्ड, ओके द स्टार। आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आएंगे और नई शुरुआत करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इस वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बॉटम की एनर्जी देख लो क्या है। द हेरोफेंट, आपके पार्टनर इस वक्त आपसे शादी करना चाहते हैं। उनके दिल दिमाग में जो चल रहा है वो आपसे सिर्फ शादी का ख्याल चल रहा है। इस बार आपके पार्टनर आएंगे तो आपको कमिटमेंट देंगे। अगर आप मैरिड हैं, आपके पार्टनर इस शादी को नहीं तोड़ेंगे। आप दोनों का रीयूनियन ज़रूर होगा। ऊपर वाला सभी का रीयूनियन करवाए, उनके पार्टनर से उनकी शादी करवाए। मैं हमेशा प्रे करती हूँ, बस आप लोग नेगेटिव मत होइएगा, आप लोग पॉजिटिव रहिएगा। क्योंकि नेगेटिव होने से क्या होता है, आप लोग नेगेटिव ओरा क्रिएट कर लेते हैं अपनी तरफ, और जो पॉजिटिव होने वाला होता है वो चीज़ दूर हो जाती है कहीं ना कहीं। तो इस फंडे को आपको समझना होगा कि अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव ही सोचना पड़ेगा। बहुत मुश्किल होता है लेकिन एक बार कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। एक बार हम मैसेजेस और ले लेते हैं, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं एंजल्स के आपके लिए। बैलेंस आएगा आपकी सिचुएशन में एंजल्स, और ऊपर वाला एंजल्स को भेजेगा आपकी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए। न्यू होम, अगर आप मैरिड हैं, ऊपर वाला जल्दी ही आप दोनों को एक करेगा, आप दोनों एक घर में रहेंगे। और अगर आप सिंगल हैं तो आप शादी होकर नए घर में जा सकते हैं। ऊपर वाला सभी का भला करे, सभी की विशेष को पूरी करे। ये कार्ड है न्यू बिगनिंग। ये कार्ड जितने ठीक हैं फिर भी एंजल्स ने ये कार्ड दिया, नई शुरुआत जरूर होगी कहीं ना कहीं। एंजल्स भी आपको ये कहना चाहते हैं कि भैया पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत रहो। ब्लूमिंग, अरे वाह, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आएगी आपकी लाइफ में, वो बहुत जल्दी आएगी। मेरे को ये कार्ड चाहिए। ये क्या है? रिकंसिलेशन, अरे वाह, बहुत जल्दी आप दोनों की का रीयूनियन होगा। और बॉटम में क्या है? आई लव यू। आपके पार्टनर को जल्दी से आई लव यू टू बोल दो आप लोग। और ये थी आज की हमारी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, हमेशा पॉजिटिव रहें। थोड़ा मुश्किल है लेकिन कोशिश ज़रूर कीजिएगा। और अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।